डब्ल्यू एस ब्लॉग, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी टी डब्ल्यू एस ब्लॉग्स पर। तो फिर एक धमाकेदार चटपटी स्वाद से भरपूर रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है कोरियन डम्पलिंग्स। कैसे बनाएंगे ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर। बाकी डम्पलिंग्स जो बनेंगे बाजार में जो खाते हैं वो मैदे की होती है, होती पतली थिन शीट है, बट हम बनाएंगे राइस पेपर शीट से। कैसे बनाएंगे ये देखना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल गरम हो चुका है। इसमें डालूंगी मैं ये बारीक चॉपी हुई अनियन, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। तो ये प्याज हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट भी हो गई है और हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट भी होने लग गई है। तो इसी बीच हम डालेंगे अपनी बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटी हुई बीन्स, क्योंकि ये दोनों ही वेजेज ऐसी हैं जिनको कि पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इन वेजेस को जल्दी पकाने के लिए मैं डालूंगी इसके अंदर हल्का सा नमक ताकि ये जल्दी पक जाए। तो ये वेजेस भी हमारी हल्की हल्की पक गई हैं। अब डालेंगे हम इसके अंदर अपनी रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर। सब्जियां आप जितनी चाहे इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जितनी बारीक काट सकते हैं उतनी बारीक काट के डालिएगा। साथ ही साथ डाल देंगे हम इसमें बारीक किया मशरूम, क्योंकि मशरूम भी पकेगा और जितना ये पकेगा उतना ही ये श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा। और मशरूम के अंदर जो है पानी का कंटेंट ज्यादा होता है तो ये अपना वाटर रिलीज करेगा, तो जो सब्जियां हमारी हैं वो इसके पानी के अंदर भी कुक हो जाएंगी और बाकी नमक जो है वो काम अपना करेगा ही। अब आप देख सकते हैं जैसे मशरूम ने अपना पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है, तो ये पकनी भी स्टार्ट हो चुकी है वेजीज इसके साथ ही। अब हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, काली मिर्च तो इसमें बहुत अच्छी लगती ही है। साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर ऑरेगानो, ये मिक्स पाउडर है मेरा जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये वेजेस हमारी पक गई हैं। अब हम डालते हैं इसके अंदर हम बारीक किया हुआ ये पनीर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास अवेलेबल है पास्ता मसाला और है मैगी मसाला, क्योंकि बच्चों के लिए बन रही है चीज तो हेल्दी बनानी है, तो स्वाद के लिए हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। डालते हैं मैगी मसाला, ये एक पाउच मैंने पूरा इसमें डाल दिया है क्योंकि बच्चों को आप जानते ही हैं मैगी कितनी पसंद है। अब गैस की फ्लेम को करेंगे स्लो और डालेंगे हम इसमें चीज, आपके पास मोजरेला चीज हो तो आप उसका उपयोग कीजिएगा, मेरे पास लिक्विड चीज अवेलेबल है मैं उसका उपयोग कर रही हूँ। 3 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। लिक्विड चीज डाल के हमने मिक्स कर दिया, अब हम डाल देते हैं ये ग्रीन अनियन अपनी और इसको मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम। तो ये स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये ठंडी होगी तभी इसकी फीलिंग अच्छे से की जाएगी, गरम गरम में फीलिंग नहीं होगी, तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं अच्छे से। तो ये स्टफिंग देखिए हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें करते हैं आगे का काम। अब एक प्लेट में हमने ले लिया पानी, आप देख सकते हैं, और ये रही हमारी राइस पेपर शीट। हम क्या करेंगे, हमने राइस पेपर शीट को इसमें डालना है और ज्यादा देर नहीं छोड़ना है, सिर्फ इतना कि ये वेट हो जाए हमारी। अब ये शीट हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम जो ये हमारी स्टफिंग है वो इससे इसमें इस तरह से डालेंगे और इसको हम शेप जो देना चाहो आप उस हिसाब से दे दीजिएगा और इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी फोल्ड हो चुकी है, इस तरह से आपको ये दिखेगी। इस तरह से हम और बना करके रख लेते हैं। तो ये पैन हमने गरम कर लिया है और हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है, मतलब सिर्फ कि ये इसमें हल्की सी हीट आती रहे और ये डम्पलिंग्स हम इसमें इस तरह से प्लेस कर देंगे। आप चाहें तो इसको स्टीम करके भी पका सकते हैं, बट मुझे थोड़े से क्रिस्पी पसंद है तो मैं इस तरह से इसको पकाऊंगी। अब ध्यान रहे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही रखिएगा जिससे ये आपस में चिपके भी ना। तो ये हमारे देखिए डम्पलिंग सिक चुके हैं बहुत अच्छे से। गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और करते हैं प्लेटिंग, लेकिन क्योंकि हमने इसको ऑयल में करा है
तो हम इसको एक एब्सॉर्बिंग पेपर पे रखेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल वो सोक कर ले। मोमोज खाने का मन हो इस तरह से आप डम्पलिंग्स बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए, बताइएगा जरूर स्वाद कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हैं, विजिट किया है चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन आएगा उसे याद से दबाइएगा जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट देख के जरूर बताइएगा आप रेसिपी ट्राई कर रहे हैं या आप रेसिपी देख रहे हैं तो आपको कैसी लग रही है। मैं इंतजार करूंगी आप लोगों के कमेंट का और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।